मध्य प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जारी किए गए आदेश का असर कुछ ही घंटे बाद दिखना शुरू हो गया है और नगर निगम कमला इस आदेश के पालन के लिए सड़कों पर निकल पड़ा है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद नगर निगम कमला आज सड़कों पर उतर आया और खुले में मांस बिक्री करने वालों को हिदायत देना शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के अमले ने बताया कि आज मुख्यमंत्री के आदेश के परिपालन में खुले में मांस बिक्री करने वालों को हिदायत दी जा रही है, जबकि कल से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, रीवा शहर में जगह जगह खुले में मांस बिक्री की जा रही है, जिसको लेकर पूर्व में भी कई बार कार्रवाई की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी खुले में मांस बिक्री प्रतिबंधित नहीं हो पाई थी। इसके बाद अब प्रदेश के नए मुखिया मोहन यादव द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं, जिसके परिपालन में नगर निगम कमला आज शहर में खुले में मांस बिक्री करने वालों को हिदायत देता नजर आया है। बताया गया है कि कल से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कल निर्देश हुए कि खुले में मांस की बिक्री नहीं की जाएगी, उसी तारतम्य आज कार्रवाई की जा रही है, इनको आज समझाइश दी जा रही है और कल से कार्रवाई की जाएगी। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि खुले में मांस का विक्रय न करें, इनको करना अपने दुकान के अंदर करें, कल से इनकी दुकान में चलानी कार्रवाई करेंगे। जो लाइसेंसदारी वही पर बेचे, बिगैर लाइसेंस वाले भी नहीं बेचेंगे कल से।